क्या? मेरा स्कूल, ये देखो मेरा कॉलेज है, मेरा स्कूल फ्रेंड देखा। हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरे स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ को डेडिकेटेड है, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज अभी हम रेस्ट वेस्ट करके थोड़ा फिर मेरे स्कूल फ्रेंड के घर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा ओकेशन है। तो सही में मेरे को भी ले मेरे सारे स्कूल फ्रेंड आएंगे, उनसे मिलेंगे, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। चलो देखते हैं कौन कौन आता है, क्या होता है, थोड़ा मिल के आते हैं। ये देखो मेरे स्कूल फ्रेंड है, दो मिले हैं, बाकी और भी है, इधर उधर चले गए कहीं ओकेशन में। अरे की चीज है ना, ये मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड की जो बेटी है उसके राइस सेरेमनी है आज, तो हम सब इधर आए हैं इसलिए। देखो यहाँ पे ऐसे केले के पत्ते में धो के फिर हम खाते हैं। पेट पूजा अब क्या, अब थोड़ा बहुत बात बातें करके पेट पे चले जाएंगे। नाइस, अच्छा लगता है, मम्मी को देख के अच्छा लगता है। सोचो मेरे स्कूल के फ्रेंड है बचपन के साथ, मुश्किल है ये इतना कनेक्शन रखना। हाँ तो अभी हम लोग आए हैं एक वेरी स्पेशल जगह में, दिखाता हूँ, और ये है दी वन एंड ओनली रमेश स्कूल। मेरा स्कूल। क्या? मेरा स्कूल, मम्मी का स्कूल। वो जितने भी स्कूल फ्रेंड्स थे और सब लोग थे वो यहीं पे आए थे, एंड ये स्कूल देख के मुझे कैसा लग रहा है, मम्मी के बचपन का स्कूल है, बचपन का स्कूल है। ओ भाई, अंदर जा सकते हैं क्या? चलो यहाँ पे बताए नमकीन वगैरह, फिर लंच में आके हम खाते थे यहाँ पे, यहाँ पे लगे होते थे स्टॉल्स, पाइन एप्पल भी काट काट के बेचते थे हम आके लंच पीरियड में, आके यहाँ खाते थे, कितना मजा आता था। अब थोड़ा है ही नहीं। अब तो पता नहीं लंच टाइम आएगा। हाँ, हमारे जो हेडमास्टर बोलते थे प्रिंसिपल को, उनकी मूर्ति है हेडमास्टर की। तुम्हारे टाइम के हेडमास्टर? हाँ, हर किसी की तो मूर्ति नहीं लगती, वही ओनर है इन स्कूल का, उन्होंने। अच्छा, वो तुम्हारे टाइम पे हेडमास्टर ही थे? उनके पापा ने शायद किया था, उसके बाद उन्होंने किया था। उन दोनों की मूर्ति है शायद, आई गेस। उन दोनों की अभी डेथ हो गए ना। और मेरे स्कूल के साथ। हाँ हाँ, ले लिया। रमेश स्कूल बंगाली में, मेरा स्कूल। एंड यह स्कूल के अंदर से, तो वहाँ पर सारे क्लासरूम्स है आई गेस, वो सारे क्लासरूम्स हैं। ये स्टाफ रूम है, ये मेरा स्कूल है। बहुत अच्छा लग रहा है, कितने दिन बाद आए। भाई तुम्हारा स्कूल है ये तो समझ आ गया, बट तुम इसके आगे भी कुछ बोलो, तुमसे ज़्यादा तो मैंने समझा दिया। क्लास होता था कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा, उस साइड में क्लास टेंथ है। सभी बिल्डिंग बदल गया, सारे स्टाफ ये सारे स्टाफ रूम है। हाँ, मैंने वहाँ पे भी टीचर्स देखे थे। ऊपर भी क्लास 7 का क्लास था। अच्छा, वो सारे 6th 7th क्लास है, नीचे वाले यहाँ पे क्लास 10 का। अच्छा, इस साइड वाली बिल्डिंग 10th क्लास वाले क्लास होते थे, 11 12, मतलब केमिस्ट्री लैब वगैरह। ओ नाइस, हमारा रेस्ट रूम है,
लंच पीरियड में यहाँ के थोड़ा रेस्ट कर सकते। भाई रेस्ट रूम मतलब वॉशरूम हो जाता है, रिलैक्स रूम बोलो ना। रिलैक्स रूम है, पीछे वॉशरूम है। अच्छा जगह में सर। ओह यहाँ दोनों साइड में स्टाफ रूम है। नाइस। और बच्चे जा भी रहे हैं। यही यूनिफॉर्म हुआ करती थी क्या या चेंज हो गई है? थोड़ा सा ऐसे ही, ऐसे करके ऐसे ही। अच्छा और किसी को पहचानते हो तुम यहाँ टीचर वगैरह को? अभी नहीं, अभी दो चार होंगे, सब बूढ़े हो गए हैं, बहुत सारे उनका डेथ हो गया है। बट कैसा लग रहा है फिर भी ओवरऑल? बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बोलूं। मुझे भी बहुत अच्छा। आज से 3 साल पहले जब कोविड नहीं था 2019 में हमें फिर से स्कूल में बुलाया गया था, जिसमें उस दिन तक जितने भी एलुमनाई थे सबको इनवाइट किया गया था। 25 साल बाद हमारे सारे क्लासमेट स्कूल में फिर से मिले और बहुत सारे मज़े के साथ मेमोरीज ताज़ा की। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अपने बच्चों को स्कूल में, अपने स्कूल में लेके आना तो वाह। हम यहाँ रहते नहीं है ना, इसलिए। और कितना बड़ी बात है तेरे को लेके आया मेरे स्कूल में। नाइस। हमने इतना एडवेंचर किया कि मम्मी के जूतों ने प्राण छोड़ दिए। ऐसे पुराना था जूता। ये देखिए, इस जूते ने दुबई भी देखा है। इस जूते ने 2018 से था ना घर में, पेस्ट खुल गया था। 2018 से मम्मी के साथ है। अब ये दम तोड़ चुका है। उसने कहा कि भाई कितना दिखाना था पीछे से सारा पेस्ट। ये देखो यहाँ से पूरा फट चुका है, यहाँ से पूरा फट चुका है। दम छोड़ दिया उसने। उसने कहा मेरा जीवन यहीं तक मैम। अब देखता हूँ, अगर कल अच्छा मिलेगा तो ले लो। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मम्मी को अब अपना कॉलेज भी मिल गया है, तो हम मम्मी के कॉलेज में जाने की भी कोशिश करने वाले हैं। स्कूल हो गए, अब कॉलेज भी दिखाते हैं। आज तो ब्लॉग पूरा मम्मी के ऊपर डेडिकेटेड है। देखो अभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं सब, इनका भी ड्रेस हो गया। अभी हमारे टाइम में कॉलेज में ड्रेस नहीं है। ये तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? अभी देखो कॉलेज में यूनिफॉर्म थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। हमारे टाइम में तो हम कॉलेज में कोई भी ड्रेस पहन के आते थे, ड्रेस नहीं था, स्कूल का ड्रेस था। बाहर हमारे यहाँ पर भी दिल्ली में तो ऐसा ही है। अभी पता नहीं यहाँ पे क्यों करते, ज्यादा ही संस्कारी हो गए। ये देखो मेरा कॉलेज है। तो मम्मी के कॉलेज में तो घुस गए, बट काफी ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट घेर के हमको ही देख रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? इतने साल बाद सब सोच रहे हैं ये कौन आ गए, दो लोग ऐसे घुस गए हैं कॉलेज में, व्लॉग भी कर रहे हैं, पागल लोग हैं क्या? और बाइक्स में लड़के लोग बाइकिंग करे जा रहे हैं। नो सभी अच्छा लग रहा है, लेकिन गेड़ियां तो यहाँ पे भी मार रहे हैं। ड्रेस दे दिया ये। हाँ, कॉलेज स्कूल लग रहा है, स्कूल लग रहा है बट। हाँ हाँ देखो ये हमारा कॉलेज है, कितने साल बाद आई हूं। यही बिल्डिंग है? हाँ ये बिल्डिंग है, उधर भी बिल्डिंग है। चलो उधर चलते हैं फिर। हाँ तो वो रहा कॉलेज बिल्डिंग। ये देख तुझे लेके आया तो ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तेरे को लेके इतना बड़ा हो गया तू भी, और मैं अपना कॉलेज दिखाने अपन ले अपन कॉलेज में जाने वाला है अगले महीने सेकंड ईयर के लिए, और मैम अपनी कॉलेज भी लेके आई है। वाह अलग ही फीलिंग है, जो मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ मम्मी कर पा रही है। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इतने साल बाद आया, ऊपर से तुझे लेके आया अपना कॉलेज दिखाने। तो कैसा लग रहा है अब कॉलेज देख लिए, मजे आ गए? अच्छा लग रहा है, स्कूल कॉलेज दोनों यहाँ से देख लिए। वाह मेरा तो मतलब अगर तला आना इस बार सफल हो गया जैसे। तुम्हें ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है ना क्योंकि मैं तेरे को लेके आया मेरे स्कूल कॉलेज में। वैसे हम एक ही बात को 3 बार बोल रहे हैं क्योंकि हम एक ही बात को ज्यादा फील कर रहे हैं। मम्मी को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब फाइनली घर चले या और कहीं पे भी रोकना है तुमने? अपने हॉस्टल में भी रुकाओगी क्या? नहीं नहीं आप ठीक है, आप चल सकते हैं।
वहाँ पर मम्मी लड़ाई कर रही है अपने फ्रेंड के साथ फोन पे कि उनके घर में भी जाए, हम उनके घर में भी जाए। और हमारी तो हालत आपने अभी बताई है। हेलो, एक बार डायरेक्ट मूवी बनाने को पास लोग हम ये अपनी तबीयत लूज कर चुके हैं जैसा हमने बताया, लेकिन अभी भी हम लोग किसी की इनविटेशन पर ही जा रहे हैं एक और रिलेटिव की। और ये खत्म ही नहीं हो रहा, हम घूमने आए थे बट रिलेटिव का प्रेशर तो नेक्स्ट लेवल जाता है। अब हम जा रहे हैं 6:44 इन द इवनिंग, ऑलमोस्ट 7 o'clock, इनके बंधु के घर। वो वाला बंधु नहीं जिससे फ़ोन में बात हो रही थी इनकी और लड़ाई हो रही थी कि नहीं आऊँगी। हाँ, ऐसे लड़ रहे थे ये लोग, पता है बंगाली में लड़ रहे थे। मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, वो अंधेरा हो गया। ऐसे लड़ रहे थे ये लोग, पता है मैं नहीं आती, जा अच्छा नहीं आएगी ना, ठीक है फिर और बात मत करी मुझसे, जा बाहर में जा, ठीक है बाहर में तू जा, हट, ऐसे करके लड़ रहे थे ये लोग। बहुत खास फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड, गुस्सा हो गई उसको नहीं बताया। ये लोग वो वाली फ्रेंड है जो डॉल के लिए लड़ते हैं, फिर डॉल का मुंह अलग कर देते हैं और हाथ अलग करते हैं और फिर खुश हो जाते हैं। ये ऐसे वाले डॉल, वो डॉल वाले फ्रेंड्स हैं बचपन के। तो अभी हम उसमें नहीं, वो जो उस दिन रीयूनियन, सॉरी, वो जो फंक्शन था जिस वो स्कूल फ्रेंड अन्नप्राशन का जो फंक्शन था उसमें जो फ्रेंड्स आए थे उनमें से ही किसी एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं हम, जिसके घर में, जिनके घर में और भी मम्मी के फ्रेंड्स रहेंगे जो उस दिन आए थे सारे, वो नहीं कुछ अलग भी आएंगे। तो हाँ, वो उदयपुर में था, ये अगरतला में है, तो इट्स लाइक बट वो फ्रेंड का झगड़ा देख के मतलब बंगाली समझ आया, तो वो फीलिंग आया इसलिए मैंने हिंदी में दे दिया। लिटरली इस उम्र में भी ऐसे लड़ रहे थे ये लोग, गुस्सा हो गई, चल चल बताया नहीं या जी जा फिर जा, मैं नहीं बात करती। गाइस, मम्मी के फ्रेंड के घर आके भी एडिटिंग चल रही है, लेकिन ये देखे एक जन को कितना खाने को दे दिया है। मम्मी यार कम करके लाओ यार, पूरा मोहल्ला ही दे दिया, पूरा मोहल्ले का खाना मुझे दे दिया है। जाओ भाई, इतना सारा मैं खाऊंगा तो मोगलाई स्पेशल है, बोला खिलाना। और ये जो आवाज़ है बारिश की, बारिश आया है, इतना गर्मी था 2 दिन से, अभी बहुत अच्छा बारिश आया। अब हम जाने वाले हैं तो बारिश तो आएगी ना। दोस्तों, अगले ही फ्रेम सेकंड में लाइट जा चुकी है और यहाँ अंधेरा अंधेरा हो चुका है क्योंकि बारिश इतनी तेज आई कि उसने धमाका। भाई साहब, गर्मी भी अपना जवाब दे रही है, क्या ही कहें। सारे स्कूल फ्रेंड है, लेकिन बहुत बारिश आ गया, लाइट चला गया, तो फिर हम जल्दी से थोड़ा पार्टी कर लिए और फिर अभी जा रहे हैं। और फिर आज के लिए इतना ही, बारिश बहुत हो रहा है, बहुत दिन से गर्मी हो रही थी तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कारण चला गया इसलिए हमारा पार्टी ख़त्म। और तो हमारा आज की पार्टी इसलिए जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, हम जा रहे हैं सब। और तब तक के लिए स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग।